Hello, this is Faiz sir here. Welcome you all to study from home. Let's start with our class 6 social science history portion with chapter number 3 from gathering to growing foods. So in our previous videos we have discussed about how people were and are able to grow different grain or different crops at different places, and what were and what are the reasons behind it, right? That we have came to know about that different crops or different grains grow at different particular places or area. Same way we have talked about on the basis of these people came to know about the things which is called farming, and literally and gradually they became farmer. After that we have talked about and we have discussed about rearing of animals, and in that case also we have discussed that at what particular places or in areas or in an environment which kind of animals could be rearing, right? So in a suitable conditions or in suitable environment, different kind of animals also selected to rear, and thus animals and plants also domesticated. Such things we have discussed in our previous videos. In this we are going to add some updation to those life about whom we already have discussed, and our today's point is a new way of life. So here an example, the starting from this understanding or a concept, given an example that relate to you maybe. If you plant a seed, yani jab aap एक सीड को प्लांट करते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. देन डेफिनेटली उसको ग्रो होने में क्या लगता है, टाइम लगता है. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स. हो सकता है देन कि वो दो तीन दिन में ग्रो हो जाए, या फिर पूरा वीक ले ले, या फिर दो तीन वीक ले ले, मंथ्स यानी एक महीने में ग्रो हो जाए, या फिर दो महीने में, तीन महीने में, एंड इन सम केसेस ईयर्स. जो आमतौर पर हमें पता है दैट कि कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, वो सीजनल बेसिस पे होते हैं. मीन्स इट टेक्स ईयर्स टू ग्रो. व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वॉटरिंग, वीडिंग, driving away animals and birds till the grain reaper. यानी ऐसा माना जाता है that कि अगर कोई इंसान या फिर लोग क्या कर रहे हैं, यानी माना जाता है कि पहले या फिर अभी भी वो एक तरीके से true ही है कि अगर कोई plant को क्या करता है, grow करता है, तो इसका सीधे सीधे ये मतलब है दैट कि उस इंसान को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा. बट क्यों रहना पड़ेगा, दैट कि वो जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसकी देखभाल के लिए, उसकी केयर करने के लिए, दैट कि उसको पानी चाहिए, वीडिंग चाहिए. वीडिंग, वीडिंग मीन्स जो अननेसेसरी जो ग्रास होती है, कि जो एक न्यूट्रिएंट्स जो हमारे यानी जो ग्रो किए हुए प्लांट्स को मिलना चाहिए, वो जो अनवांटेड और अननेसेसरी जो ग्रास होती है वो क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है. देन उसको काटने को और उसे काटना पड़ता है, दैट के जो हमने प्लांट्स ग्रो किए हैं उसके न्यूट्रिशन वो क्या ना कर ले, शेयर ना कर ले, या फिर एब्जॉर्ब ना कर ले. ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो ग्रेन या फिर क्रॉप्स या फिर प्लांट हमने क्या किया है, ग्रो किया है, देन उसको एनिमल्स एंड बर्ड्स से बचाने के लिए ताकि वो उसको खाना जाए. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली. फिर उसके बाद जो ग्रेन होता है
उसको क्या करना पड़ता है, केयरफुली यूज़ करना पड़ता है. देन केयरफुली यूज़ करना, वॉट डज इट मीन? देन यू कैन क्लियरली से दैट दैट आफ्टर ग्रोइंग ऑफ सच पर्टिकुलर प्लांट्स और ग्रो क्रॉप्स, आफ्टर प्रोटेक्टिंग हेम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट, इट टेक्स टू डिफरेंट फैक्ट्रीज फॉर पैकिंग एज वेल एज इट टेक्स टू होम, राइट, फॉर टू सेलिंग टू द नियर बाई प्लेसेस. यानी उसको घर पर लाया जाता है नियर बाई प्लेसेस पर, यानी उसको पैक करके नियर बाई प्लेसेस पर बेचने के लिए, एज वेल एज उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. वहाँ पर वो पैक होता है, प्योरीफाई होता है और फिर वो मार्केट में बेचने के लिए आता है. लेकिन उसको ताज़ा रखने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए काफ़ी केयर करनी पड़ती है. वाई दैट यू मे हैव सीन दैट कि अगर आपके घर में भी जो ग्रेन यूज़ हो रहा है देन वो पूरा साल का अगर भरा जाता है देन एक सिस्टम फॉलो होती है दैट या तो उसको ऑयलिंग किया जाता है या फिर उसमें पाउडर पाउडर डाला जाता है जिससे वो जो क्रॉप्स है या फिर ग्रेन्स है वो क्या ना हो, बिगड़ ना जाए. समहाउ कहीं कहीं पे जो नीम लीव्स होते हैं उनको रखा जाता है दैट कि जिसकी वजह से उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स वहाँ पे ना जाए, यानी वो नीम लीव्स की स्मेल से वो इंसेक्ट उसमें ना जाए. सो सच एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. जो अभी मैंने आप लोगों को बोल दिया that कि grain को किसके लिए use किया जाता था, खाने के लिए, as well as next time उसी seed को grow करने के लिए, as we have discussed in our previous video कि कुछ seeds ऐसे होते या फिर जो क्रॉप्स वो ग्रो करते और वो बहुत ही अच्छे होते थे देन उनकी क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए उन सीड्स को वो क्या करते थे, एक बॉक्स में रख देते थे. फिर जब नेक्स्ट टाइम उनको ग्रो करना होता देन वो उनके साथ इन सीड्स को भी क्या कर देते थे, मिक्स कर देते थे ताकि उनकी जो फर्टिलिटी लेवल है या फिर एक ग्रोइंग एबिलिटी है उसको क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके, या फिर जो उनकी ग्रोइंग एबिलिटी है उसको मेंटेन रख सके. इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. सो और काफ़ी एरियाज में वो क्या बनाने लगे, बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाने लगे. क्ले पॉट्स मीन्स मिट्टी के बर्तन के जिसमें वो लोग इन ग्रेन्स को, इन क्रॉप्स को, इन सीड्स को क्या कर सके, स्टोर कर सके. और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर बास्केट्स को वो क्या करने लगे, व्यू करने लगे, मीन्स उसको बुनने लगे. और बुनने के बाद वो बड़ा सा यानी बास्केट बनाने लगे जिसमें वो क्रॉप्स को या फिर ग्रेन्स को रख सके, एज वेल एज ग्राउंड में क्या करने लगे, डग पिट्स यानी बड़े बड़े खड्डे खोदने लगे और खड्डे खोदने के बाद उसमें ग्रेन्स को स्टोर करने लगे. सो रिगार्डिंग दिस द क्वेश्चन इज बीन गिवन हियर, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. यानी क्या आपको लगता है दैट के जो हंटर गैदरर्स है कि जो जनरली क्या करते थे, चीज़ों को अराउंड सराउंडिंग प्लेसेस पे प्लेसेस से क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, हंट करते थे, राइट? सो क्या आपको लगता है देर कि वो पॉट्स का यूज़ करते होंगे, राइट? सो इसका आंसर आपको देना है एज जिसका आंसर सूटेबल होगा दैट आई वुड अप्रिशिएट एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन्स आंसर इन द कमेंट इन एन अप्रोप्रिएट वे, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. यानी आपको अपना यानी एक इमेजिनेशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है, यानी सोचना है दैट के क्या हंटर गैदरर्स उन्होंने यानी क्ले पॉट्स बनाए होंगे या फिर वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉट्स बनाए होंगे. सो अगर आपका आंसर यस आता है देन यस
क्यों, देन उसके रिगार्डिंग आपको कुछ रीजन्स देने हैं, आप अपनी यानी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो, नो इश्यू फॉर दैट, बट आई जस्ट होप दैट यू विल ट्राई राइट टू मेक दिस स्टडी लिटल बिट इंटरेस्टिंग फॉर श्योर. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव दिस क्वेश्चन आंसर टू यू एंड वी विल कंपेयर अबाउट वी विल कंपेयर माइंड आंसर विथ योर्स टू. And here you can see ways in which grain was used. As we already have talked about that के as a seed भी क्या करते थे, grain को use किया जाता है, as food भी use किया जाता है, as gifts. अब यहाँ पर question होगा that के gifts के लिए क्यों. Then पहले ऐसा होता था that के राजा महाराजाओं के time के अंदर जो ट्रेडर्स होते वो एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर एक राजा के दरबार से दूसरे राजा के दरबार में अगर आते या फिर उनके एरियाज़ में आते, किंगडम में आते, देन वहाँ पे उनकी चीज़ों को बेचने के लिए उनको वहाँ के जो राजा होते, किंग होते, उनको क्या करना पड़ता था, ट्रिब्यूट देना पड़ता था, गिफ्ट देने पड़ते थे. और उस गिफ्ट में कहीं ना कहीं गिफ्ट भी ग्रेन्स भी दिए जाते थे एंड स्टोर्ड फॉर फूड और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट के खाने की एक जो ज़रूरियात है, एक नीड है, वो एक ही दिन ऐसा नहीं होता है दैट के आज सुबह हम खा ले तो कल भूख नहीं लगने वाली, दोपहर में खा ले तो कल भूख नहीं लगने वाली राइट. सो हमारी जो एक भूख की जो नीड है जहाँ तक हम जिंदा है वहाँ तक वो चलती रहेगी. सो वो फूड को क्या करते थे लोग, अपनी ये नीड को फुलफिल करने के लिए उसको स्टोर करते थे. Understand? Now let's move to the next point. Storing animals. As यहाँ पे यानी first topic में और new way of life में जहाँ पे हमने जो context देखा या फिर concept देखा वो farming activity से related था, यहाँ पे storing of animals वो herding activity से related है. यानी आप study को देखते जाओ, यानी जो एक्सप्लेनेशन जो आप समझ रहे हो उसमें देखते जाओ, देन एक लिंक सेट होती है दैट के पहले फार्मर का आया, उसके बाद हर्डिंग का आया, देन फार्मिंग में किस तरीके से यानी लोग एक जगह पे ठहरने लगे, रुकने लगे, तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ लोगों की स्टार्ट हुई. यानी जो पहले एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते रहते थे, फिर उसके बाद उनको पता चला दैट के दिस इज़ हाउ वी कैन फार्म और वी कैन ग्रो क्रॉप्स एट दैट डिफरेंट प्लेसेस, तो जहाँ पे वो क्रॉप्स होते थे वहाँ पे वो ठहरने लगे दैट मीन्स वो अपने रहने उठने बैठने के लिए सेटलमेंट करने लगे राइट. सो सेम वे स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स, अब जो एनिमल्स को भी क्या करते थे, स्टोर करते थे, देन वो अपने खुद के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी एक प्रोटेक्टेड शेल्टर्स का क्या करने लगे, इन्वेंट किया होगा या फिर इन्वेंट करने लगे, और वहाँ पे वो खुद और अपने एनिमल्स को भी रखने लगे. सो दिस इज़ हाउ उनकी एक हंटिंग और गैदरिंग से, यानी जो चीज़ों को गैदर करके एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे थे, रोमिंग कर रहे थे, तो अब उनका जो एक लाइफस्टाइल है वो क्या होने लगा, स्टेबल होने लगा. स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. Means, जो animals होते हैं वो multiply होते हैं naturally. Naturally means कि जिस तरीके से human beings जो उनका जो numbers है वो grow होता है, quite same system. Almighty Allah has given to animals also. राइट right? देन वो भी क्या रखते हैं कि अपनी ब्रीदिंग की एबिलिटी रखते हैं, और उसी तरीके से वो नेचुरली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. मीन्स दो, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, राइट, क्वाइट लाइक दिस वे. देन उसके अलावा राइट अगर जो लोग उनको रियर करते थे, मीन्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उनकी अच्छी तरीके से देखभाल रखी जाए, उनकी केयर की जाए, तो क्या होगा, दे प्रोवाइड मिल्क, तो वो हमें मिल्क देते. जो आम तौर पर यूजुअली हम नावडेज देखते रहते हैं कि जहाँ पे स्टेबल्स है, जहाँ पे बफेलोज है, काउज है, उनको रखा जाता है, देन वहाँ पे उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या की जाती है,
केयर की जाती है उनमें से रोजाना सुबह शाम क्या निकाला जाता है, मिल्क लिंक निकाला जाता है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, दैट वी ऑल नो दैट कि मिल्क कंटेन बैलेंस्ड डाइट, यानी उसमें ऑलमोस्ट ऑल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं। एंड मीट और दूसरे काफ़ी यानी बफेलोज और काऊ को छोड़ दे, एंड दूसरे काफ़ी यानी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जिनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं एज मीट, यानी जैसे कि गोट है राइट, उसमें से सीप है, उसमें से हमें मीट मिलता है खाने के लिए वेन एवर रिक्वायर्ड, जब उनकी ज़रूरत होती है तब। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरी लैंग्वेज में कहे या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड, यानी जिन एनिमल्स को क्या किया जाता था, रियर किया जाता था, तो कहीं ना कहीं लास्टली उनका मंशा या फिर उनका मकसद ये होता दैट कि उनको वो फ्यूचर में क्या करेंगे, खाने के लिए यूज़ करेंगे या फिर एक अपना जो फूड है, फूड की जो नीड है उसके लिए ही उनको स्टोर करेंगे। सपोज बफेलो एंड काउज को रियर किया जाता है देन उनके मिल्क के लिए ही रियर किया जाता है, उनके अलावा अगर गॉट को यूज़ किया जाता है सॉरी रियर किया जाता है राइट चिकन राइट उनको रियर किया जाता है देन यहाँ से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। सो अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और इसके अलावा यानी फूड के अलावा कौन सी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें एनिमल्स में से मिलती है, व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे, और आज एनिमल्स का यूज़ किस कहाँ कहाँ पे और कैसे होता है राइट। सो ऑल्सो I suggest that please try to give these questions answer by your own, and in next video I will sure give answers of these questions to you right. So I just hope you will take keen interest toward these questions answer. So that's all for today. Inshallah, in next video we will learn about or we will talk about finding out about the first farmers and herders. It is also an interesting portion that create interest about history too, right? So thank you and have a nice day.